church is not a staying place. गलीसिया ठहरने का स्थान नहीं है. It's a transferring place. लेकिन ये परिवर्तित करने का स्थान है. Are you going to inherit a church or are you going to inherit the kingdom of God? आप कलीसिया के वारिस बनने जा रहे हैं कि स्वर्ग राज्य के वारिस बनने जा रहे हैं? The gospel of salvation, और इसलिए उद्धार के सुसमाचार के द्वारा we will be able to enter into a church. हम कलीसिया में प्रवेश होने के योग्य बनेंगे. How many of you are happy with that? कितने लोग इससे खुश हैं? Are you satisfied with that? संतुष्ट हैं इससे? You are happy with that, but are you satisfied with that? आप इससे खुश हैं मैं जानता हूं, लेकिन क्या संतुष्ट हैं? If you are satisfied, then you will never move. अगर आप संतुष्ट हो गए हैं तो आप और उन्नति नहीं करेंगे. Are you going to inherit a church or are you going to inherit the kingdom of God? आप कलीसिया के वारिस बनने जा रहे हैं कि स्वर्ग राज्य के वारिस बनने जा रहे हैं? What do you need? You need to inherit a church or you need to inherit the kingdom of God? आप कलीसिया के वारिस बनेंगे कि स्वर्ग के राज्य के वारिस बनेंगे? How many of you want to inherit the kingdom of God? कितने लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना चाहते हैं? And how many of you want to be in the church only? और कितने लोग कलीसिया में ही रहना चाहते हैं? Through the gospel of salvation, you can enter into a church. और सुसमाचार, उद्धार के सुसमाचार के द्वारा तुम कलीसिया में शामिल हो सकते हो. Through the gospel of the kingdom, you can inherit the kingdom of God. परंतु राज्य के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो. Church is not a staying place. और कलीसिया रहने का स्थान नहीं है. Church is a transferring place. और कलीसिया परिवर्तित करने का स्थान है. Just like kitchen in our home. जैसे हमारे घर में रसोई घर होता है. Do everyone have kitchen in your home? आप सबके घर में रसोई है? Did you ever purchase fish from the market which were already in the sea? और क्या आप बाजार से उस मछली को खरीदे जो पहले समुद्र में था? Did you purchase it before? क्या आप इसको खरीदे हैं ऐसा? And how long this fish were in the kitchen? और कितने समय तक ये मछली अब रसोई घर में रहेगा? For a short period. थोड़े समय के लिए रहेगा. Isn't it? समझ में आया? नदी से मछली पकड़ कर लाते हैं, कितने देर तक वो आपके घर में किचन में रहता है? For a short period. थोड़े समय के लिए रहता है. Hallelujah. Hallelujah. And what your mama or papa will do with the fish? और अब वो फिश को, वो मछली को मम्मी और पापा आप क्या करेंगे? Take the knife first. चाकू लेंगे. And clean the fish. और मछली को साफ करेंगे. And cut the stomach. और उसका पेट को काट देंगे. And remove the things whatever not needed. और जो जरूरत की चीज नहीं उसको बाहर निकाल देंगे. And prepare it well. और उसके बाद तैयार करेंगे. And transfer immediately to the dining table. और जितनी भी जरूरत की चीज नहीं वो हटा देंगे, उसको परिवर्तित करेंगे, बदल देंगे. Isn't it? क्या ऐसा नहीं है? Then it become useful. और जो जरूरत की चीज है उसको रखेंगे. But if you don't want to do those things, just keep it in the kitchen, what will happen? और अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते, जैसा खरीद कर लाए हैं मछली को वैसा ही किचन में रखेंगे तो इट बिकम स्पॉइल्ड. और वो जो है खराब हो जाएगा. एंड इट बिकम यूजलेस. और वो जो है अनुपयोगी हो जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. सेम लाइक, उसी प्रकार से, डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, चर्च इज जस्ट लाइक ए किचन. परमेश्वर के लोगों याद रखिए, कलीसिया भी किचन के समान है. Fish were caught from the sea into the kitchen. और समुद्र से मछली को पकड़ करके अब किचन में लेकर आए हैं. And prepared it in the kitchen and transferred to the dining table. और अब उसको तैयार करके, पका करके अब डाइनिंग टेबल में लाकर लाते हैं. Similarly, उसी प्रकार से, we were all in the world in the prison of devil. और उसी प्रकार से हम भी इस संसार में शैतान के बंधन में थे. And we were caught by the gospel of salvation. हम सुसमाचार, उद्धार के समाचार के द्वारा पकड़े गए. Into the church. कलीसिया में लाए गए. And from the church. और कलीसिया से. Immediately we need to transform into the kingdom of God. और उसी समय हमें परमेश्वर के राज्य के लिए परिवर्तित होना है. Hallelujah. Hallelujah. The church is not a staying place. कलीसिया ठहरने का स्थान नहीं है. It's a transferring place. लेकिन ये परिवर्तित करने का स्थान है. But what happened to us? लेकिन हमारे साथ क्या?
क्या होता है बिकॉज वी हैव ओनली गॉस्पेल ऑफ सॉल्वेशन क्योंकि हमारे पास केवल उद्धार का सुसमाचार है सो फ्रॉम द वर्ल्ड टू द चर्च वी केम जस्ट लाइक द फिश केम फ्रॉम द सी टू द किचन और जिस प्रकार से समुद्र से मछली को पकड़ करके किचन में लेकर आते हैं हम भी संसार में शैतान के बंधन में थे सुसमाचार के उद्धार के समाचार के द्वारा हम भी कलीसिया में लाए गए हैं बट फ्रॉम द चर्च टू द किंगडम ऑफ गॉड वी नेवर मूव्ड लेकिन हम कलीसिया से परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ रहे हैं हालेलुया हालेलुया सो वी नीड द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड प्रीच्ड बाय जीसस क्राइस्ट और इसलिए हमें परमेश्वर यीशु के द्वारा प्रचार किया गया परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार चाहिए वंस वी केम टू नो दिस ट्रूथ और एक बार जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं दिस ट्रूथ विल पुश अस each and every moment into the kingdom of God aur isliye ye jo satya to hai tumhe aage ki or har chhad har pal parmeshwar ke rajya ki or dhakelte rahegi